अब गाइस वैसे तो आपने मेरी शॉर्ट वीडियोस काफी देखी होंगी, पर आज जरा ये लॉन्ग वीडियो देखना जिसमें बैक टू बैक क्लचेस होने वाले हैं। और अगर मजा आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल यहाँ मैं तैयार स्नैक इसी बिल्डिंग पे, और सामने ये तीन बंदे थे। अब बंदी के पास डीबीएस थे इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं करता हूँ, पर इनको जो मैंने मारा है ना जरा वो देखना। इस बंदे को नॉक करके मैं जैसे ही नीचे जंप करता हूँ, भाई इसके टीममेट अंधा पुश कर देते मेरे ऊपर। और अब जरा ये सीन देखो, सामने मुझे घर पे एक बंदा स्पॉट होता है, एक ओपनिंग निकालने का ट्राई करता हूँ और बंदे के नॉक होते मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुश कर देता हूँ। पर अब जो सीन होता है ना वो देखना। भाई यहाँ ये बंदा तो आगे नहीं आया, पर इतने में इसका लेफ्ट वाला बंदा रिवाइव हो गया। और अब देखना इन लोग को मैंने कैसे मारा। दो बंदों को नॉक करते ही मैं नीचे जंप करता हूं, और इसी के साथ यहाँ पे ये टीम भी खत्म हो जाती है। और अब आता हूँ मैं सीधा स्कूल अपार्टमेंट, अंदर से एक बंदे का फूट आता है। अब मैं इस बंदे को जैसे ही नॉक फिनिश करता हूँ, भाई इसके टीम के बंदे अंधा पुश कर देते मेरे ऊपर। और लिटरली ये जो स्क्वाड थी ना, इसमें हर एक बंदे ने अपना दिमाग लगाया है। मैं अब एक ग्रेनेड करता हूँ और अब देखो इनको कैसे मारा। इसी के साथ ये टीम भी फिनिश हो जाती है। और अब आती है इस स्क्वाड की बारी। दो बंदे नॉकआउट करते हैं, तीसरा बंदा एंट्री लेता है, और इनका लास्ट बंदा तो भाई मेरी मॉलोटोव में जल के ही मर जाता है। पर अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे एक लाइक जरूर करना। यहाँ मेरे ऊपर एक स्क्वाड पुश कर रही होती है और मैं यहाँ पे फंस के रह जाता हूँ। और अब जो इनकी बैंड बजाई है ना भाई वो देखना। अब भाई यहाँ मेरे नीचे दो टीम होल्ड कर रही थी, एक टीम यहाँ पे जैसे ही मीन अपार्ट क्रॉस करती है। इनके दो बंदों को मैं डाउन करता हूँ, तब तक यहाँ पे दूसरी स्क्वाड मेरे ऊपर पुश कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पे ये स्क्वाड भी खत्म। और अब यहाँ मैं तैयार स्नैक में, और सामने मेरे दो स्क्वाड की फाइट चल रही थी। मैं यहाँ पे एक नेड पिन करके थ्रो करता हूँ, बंदे के नॉक होते मैं अकेला सोलो बंदा इनके ऊपर पुश करता हूँ, और सामने से मेरे ऊपर कोई बंदा रश नहीं करता है। और जब कोई नहीं आता तो फाइनली मैं यहाँ पे पुश करता हूँ। और अब जो इनका लास्ट बंदा बचा है ना, उसके साथ तो भाई गलती मस्ती होने वाली है। भाई दिल से बुरा लगता है यार। चलो वही ना, अब ये सीन देखो, सामने से तीन बंदे पुश करते हैं। इनको निपटाने के बाद मैं यहाँ पे जा रहा था सीधा जॉर्जो की तरफ, और वहां मेरे को ये बंदे बीच रोड में टहलते हुए मिल जाते हैं। बंदे मेरा टायर फोड़ देते हैं और मैं यहाँ पे अब देखना इनको कैसे मारता हूँ। एक कुड़ाउन करता हूं, जब तक मैंने नेड विन किया बंदे का साउंड आ गया। और इसी के साथ यहां पे ये वाली टीम भी खत्म हो जाती है। पर अब जो फाइट होने वाली है ना भाई,
अब जैसे ही मैं इन दो बंदों को मारता हूँ, एक और स्क्वाड आके मेरे ऊपर पुश कर देती है। अब यहाँ मैं होता हूँ जॉर्जो में, और सामने एक बंदा होल्ड कर रहा था काफी देर से। मैं यहाँ पे स्मोक थ्रो करता हूँ। अब इस बंदे को तो मैंने नॉर्मली मार दिया, पर इसकी स्क्वाड के बंदे को मैं जो भगा के मारने वाला हूँ ना, वो देखना। और इसी के साथ ये वाली टीम भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ मैं रिकॉल हूँ कि अपार्टमेंट आया था, मेरे पास काफी अच्छी लूट नहीं थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता हूँ और नीचे से चार बंदे पुश करते हैं। एक बंदे को डाउन करता हूँ, फिनिश करते हैं इसके बाकी के बंदे पुश करते हैं। अब जैसे तैसे मैंने यहाँ पे इस टीम को भी खत्म किया था, पर ये जो बंदे अब मेरे सामने आए ना, ये लिटरली काफी अच्छा खेल रहे थे। अब यहाँ दो बंदों को मैं डाउन करता हूँ, पर एचपी काफी लो हो जाती है। मैं बंदे में ट्राई करता हूँ तब भी रश करने का। पर जब बंदा आगे से फाइट लेने नहीं आता है, मैं भी यहाँ पे हील करने का ट्राई करता हूँ। पर जब तक मैं हील करने के लिए ऊपर जाता हूँ, हील वगैरह करता हूँ, तब तक दोनों बंदे रिवाइव हो चुके थे। अब यहाँ पे मैं एक मिड विन करता हूँ और अब देखना इनको कैसे मारा। और इसी के साथ यहाँ पे ये टीम भी फिनिश हो जाती है। अब आपको मैं स्कूल अपार्टमेंट, अब यहाँ मेरे को लगता है कि ये केवल तीन बंदे थे, पर इनका चौथा बंदा मेरे जस्ट नीचे वाले फ्लोर से मेरे ऊपर रश करता है और मेरी एचपी काफी लो थी। इनसे फाइट लेते दो बंदे रिकॉल होकर मेरे ऊपर रश करते हैं। फाइनली मैं यहाँ पे अपार्टमेंट क्लियर करके जॉर्ज पहुंचता हूँ। सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, ये नेड मैं जैसे ही इसके ऊपर थ्रो करता हूँ, बूम। दो बंदे नॉक करते ही अब बारी थी पुश करने की, और अब देखना इनकी स्क्वाड को कैसे वाइप किया। भाई गलत थी भाई, इनको मारने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा बानहाउस पे, और यहाँ मेरे ऊपर पुलिस स्क्वाड पुश कर देती है। अब इनमें से दो बंदों के हाथ में डीबीएस थे, और देखना मैंने यहाँ पे कैसे सरवाइव किया। अब इन तीनों को नॉकआउट करते हैं, पता चलता है इनका चौथा बंदा दूर से रिवाइव देने आ रहा है। अब सामने घर पे एक टीम होल्ड कर रही थी काफी देर से, तो मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ। इसके बाद बारी आती है एक और स्क्वाड की, और यहाँ पे चार बंदे मेरे ऊपर पुश करते हैं। तीन नेड यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं। अब ये वाला नेड तो मिस हो जाता है, पर ये वाले नेड को देखना। अब दो बंदे नॉक होते हैं, मैं यहाँ पे एक और नेड ट्राई करता हूँ। फिलहाल दो बंदे नॉक थे, और यहाँ पे मैं जंप करके देखना इनको कैसे मारता हूँ। और यहाँ पे ये टीम भी खत्म हो जाती है, और अब आती है एक और स्क्वाड की बात।
अब आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। और ये अपनी पहली लॉन्ग वीडियो थी तो होप आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप लोग लाइक जरूर करोगे।